हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अलजेब्रा के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। तो जनरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का क्या मीनिंग है? देखिए, अभी तक हमने जो भी रूट्स को कन्वर्ट किया था, या तो हमने रूट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, या रूट्स को किसी नंबर से डिमिनिश किया था, डिक्रीज किया था, या फिर हमने रूट्स को रिवर्स किया था, रेसिप्रोकल रूट्स निकाले थे, ठीक है, और इक्वेशन कन्वर्ट की थी। तो ये सभी जो मेथड हैं, दीज आर स्पेसिफिक मेथड्स, ओके। तो नाउ अब आपने क्या करना है, रूट्स को आर्बिट्रेरी इक्वेशन से कन्वर्ट करना है। इट मींस आपको जो रूट्स के बीच में रिलेशन है वो आर्बिट्रेरी रिलेशन गिवन होगी, आपने उस रिलेशन को यूज करते हुए एक नई इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जहां के रूट्स उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो आप एग्जांपल की हेल्प से इसको बेटर समझ पाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल की हेल्प से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखे स्टूडेंट्स, वी हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर द स्क्वेयर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इट मीन्स अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा गामा है, तो हमने एक नई इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा स्क्वेयर, बीटा स्क्वेयर, गामा स्क्वेयर, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करेंगे, आपने लगभग वही टेक्निक सभी क्वेश्चन में अप्लाई करनी है, ओके। तो पहले मान लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा गामा बी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वन। सपोज दिस इक्वेशन इज वन, तो अल्फा बीटा गामा क्या हुए, इस इक्वेशन के रूट्स हुए। तो यहां से आपने क्या करना है, जो भी रिलेशन है रूट्स और कोफिशियंट्स के, उनको निकाल लें, सम ऑफ रूट्स निकाल लें। देखिए, एक्स स्क्वेयर की टर्म नहीं है, तो सम ऑफ रूट क्या हो गया, जीरो। नेक्स्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो दैट इज क्यू। एंड नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा, दैट विल बी माइनस आर, ओके। तो अब हमें क्या करना है, एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके रूट क्या होंगे, अल्फा स्क्वेयर, बीटा स्क्वेयर, गामा स्क्वेयर। तो जिस तरह के आपको रूट चाहिए, वही आपने ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ओके। तो यहां से वाई इज इक्वल टू क्या आया, एक्स स्क्वेयर। तो हमने क्या करना है, अब ये जो कंडीशन आई है इसको यूज करते हुए, और इक्वेशन वन को यूज करते हुए, हमने x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, x को सेपरेट करना है y से, x को एक्सप्रेस करना है y की टर्म में, ओके। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां से आपने एक्स स्क्वेयर को क्या पुट किया, y, तो यहां पुट कर दे इस इक्वेशन में, एक्स स्क्वेयर को y पुट करेंगे तो क्या रह जाएगा, एक्स वाई, कॉल दिस टू यूजिंग टू इन वन। तो आपने टू को वन में यूज करना है, x को सेपरेट करना है, ओके। तो देखिए, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखा आपने, y, तो ये रह गया एक्स वाई प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो यहां से x को कॉमन निकाल लें, तो क्यू प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस आर। तो देखिए सेपरेट हो गया x, तो x क्या हुआ हमारे पास, माइनस आर ओवर क्यू प्लस वाई, ओके। तो ये जो x आया है इन टर्म्स ऑफ y, इसको आप दोबारा इक्वेशन वन में पुट कर दें, तो x क्यूब की जगह क्या आएगा, माइनस r ओवर q प्लस y क्यूब प्लस q, x की जगह क्या रख दिया आपने, माइनस r ओवर q प्लस y प्लस r इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इक्वेशन में कोई गलती ना हो, तो आप जस्ट यहां से क्या करें, रिवर्स से लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। तो जब आप एलसीएम लेंगे, तो इसके पास क्या आएगा, आर इंटू क्यू प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो दिस आर इंटू क्यू प्लस वाई क्यूब, ओके, माइनस क्यू आर, एलसीएम लेंगे तो इसके साथ क्या आएगा, क्यू प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू जीरो। तो रिवर्स से लिखना स्टार्ट करें, तो इजीली आप सोल्व कर पाएंगे इसको, ओके। तो जस्ट आप इसको आप क्या करें, ओपन कर दें टर्म्स को, दिस इंप्लाइज आर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस क्यू आर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो आर को आप थ्रू आउट कैंसिल भी कर सकते हैं, है ना। तो यहां से देखिए क्या आएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज y क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस थ्री क्यू स्क्वेयर वाई
प्लस थ्री क्यू वाई स्क्वेयर माइनस क्यू आर तो कैंसिल हो गया, क्यू वाई स्क्वेयर माइनस क्यू क्यूब माइनस टू क्यू स्क्वेयर वाई माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, जो वाई क्यूब वाली टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, वाई स्क्वेयर वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे और वाई वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे और कॉन्स्टेंट को। तो यहां से मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं डायरेक्ट, तो आपके पास ये आंसर आएगा वाई क्यूब प्लस टू क्यू वाई स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर वाई माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर गामा स्क्वेयर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन देखें, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड देन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन हुज रूट्स आर ऑफ दिस टाइप। ओके, तो बिल्कुल वैसे ही हम प्रोसीड करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। तो सॉल्यूशन देखिए, लेट अल्फा बीटा गामा बी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट हमने क्या एज्यूम कर लिए, अल्फा बीटा गामा। तो यहां से सम ऑफ रूट निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज माइनस पी, दो दो का प्रोडक्ट करेंगे और उनका सम करेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा दैट इज क्यू एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा गामा इज माइनस आर। ओके, तो इनमें से जो रिजल्ट हमारे लिए यूजफुल होगा वही हम यूज करेंगे यहां पर। तो देखिए कैसे, अब हमने क्या करना है, एक नई इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके रूट्स इस टाइप के होंगे। ठीक है, तो इनमें से किसी एक रूट को आप वाई पुट कर लीजिए, वाई इज इक्वल टू अल्फा माइनस वन बाय बीटा गामा। तो देखिए यहां पर प्रोडक्ट आया है तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करेंगे यहां से, कैसे, अल्फा माइनस आप क्या करें इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर ले और अल्फा से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अल्फा ओवर अल्फा बीटा गामा। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या हुआ, अल्फा बीटा गामा दैट इज माइनस आर। ओके, तो अल्फा माइनस आर रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाए, प्लस आर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां से आप समझने की कोशिश कीजिए हमने क्या किया, क्योंकि हमारा जो वाई है वो कनेक्टेड है अल्फा बीटा गामा से, हमने ये ट्राई करना है जो भी क्वेश्चन आपके पास आए उनमें से आपने ये ट्राई करना है कि हम वाई को एक्सप्रेस कर सके एज ए सिंगल रूट, जैसे हमने यहां पर सिर्फ अल्फा की टर्म में लिखा वाई को। ओके, तो यही हमारी कोशिश हर क्वेश्चन के अंदर रहनी चाहिए कि हम वाई को सिंगल रूट के टर्म में एक्सप्रेस कर सके। ओके, और उनमें हम इन इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास वाई क्या हो गया, अल्फा प्लस अल्फा बाय आर, और अल्फा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, वाई को लिखेंगे वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बाय। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x और y को सेपरेट करना हमने, आर वाई इज इक्वल टू आर एक्स प्लस एक्स। ठीक है, तो यहां से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखिए r प्लस वन रह जाएगा, तो x हमारे पास क्या आएगा, आर वाई ओवर आर प्लस वन। तो ये हमने x को y की टर्म में सेपरेट कर लिया। अब इसको हम क्या करें, डायरेक्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब तो आप क्या रखेंगे, आर वाई ओवर आर प्लस वन क्यूब प्लस पी आर वाई ओवर आर प्लस वन स्क्वेयर प्लस क्यू आर वाई ओवर आर प्लस वन प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। ओके स्टूडेंट, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, रिवर्स साइड से स्टार्ट करें एलसीएम लेते हुए, यहां पर आर प्लस वन क्यूब आ जाएगा, आर इंटू आर प्लस वन क्यूब। ठीक है, और देखिए यहां पर क्या आएगा, क्यू आर इंटू आर प्लस वन स्क्वेयर वाई। ओके, प्लस नेक्स्ट आएगा पी आर स्क्वेयर आर प्लस वन वाई स्क्वेयर एंड नेक्स्ट इज आर क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखिए आर को थ्रू आउट आप यहां से कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या रहेगा हमारे पास, आर प्लस वन क्यूब प्लस क्यू आर प्लस वन स्क्वेयर वाई प्लस पी आर आर प्लस वन वाई स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर वाई क्यूब इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो अब चाहे तो आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लें जैसे जनरल फॉर्मेट होता है इक्वेशन का। ठीक है, तो आर स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस पी इंटू
पी आर इंटू आर प्लस वन वाई स्क्वेयर प्लस क्यू इंटू आर प्लस वन स्क्वेयर वाई प्लस आर प्लस वन क्यूब इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन विच हैज रूट्स ऑफ दिस फॉर्म. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. वी हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर ऑफ दिस टाइप. ओके तो बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करेंगे. लेट अल्फा बीटा गामा बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से सम ऑफ रूट निकले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा माइनस वन. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट इज टू एंड अल्फा बीटा गामा दैट इज माइनस थ्री. ओके तो यहाँ से हमें ये रूट्स ये इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये हो. ओके तो यहाँ वाई को पुट कर ले बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा. ओके तो देखिए यहाँ सम है बीटा प्लस गामा तो यहाँ हम सम ऑफ रूट यूज कर सकते हैं बट उसके लिए हम क्या करेंगे बीटा प्लस गामा अल्फा ऐड कर देते हैं और अल्फा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है माइनस अल्फा ये है तो देखिए ये बन गया आपके पास सम ऑफ रूट्स. ठीक है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये तो सेपरेट हो गया माइनस टू अल्फा. ओके तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है हमारे पास माइनस वन तो दैट इज माइनस वन माइनस टू अल्फा. तो सिर्फ हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम y को एक सिंगल रूट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकें. ओके तो अब आप यहां से क्या कर सकते हैं y को पुट कर सकते हैं माइनस वन माइनस टू एक्स और x को सेपरेट कर ले इन टर्म्स ऑफ y. ठीक है तो देखिए x क्या आएगा x इज इक्वल टू y प्लस वन बाय माइनस टू. ओके तो अब यहां से हम क्या करेंगे x की वैल्यू वापस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो देखिए क्या आएगा y प्लस वन बाय माइनस टू होल क्यूब प्लस y प्लस वन बाय माइनस टू होल स्क्वेयर प्लस टू y प्लस वन बाय माइनस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो. ओके तो अब यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लें तो दिस इंप्लाइज y प्लस वन क्यूब माइनस एट प्लस वाई प्लस वन स्क्वेयर बाय फोर प्लस टू. टू से टू कैंसिल कर दें तो ये आपके पास बचेगा माइनस वाई प्लस वन प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो. ओके तो एलसीएम ले लें. ठीक है तो हमारे पास क्या आएगा दिस इंप्लाइज वाई प्लस वन होल क्यूब एलसीएम लेंगे माइनस एट से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें. ओके तो यहाँ पर आएगा माइनस टू वाई प्लस वन होल स्क्वायर माइनस एट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना थ्रू आउट एट वाई प्लस वन माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो. फर्दर सिंप्लीफाई कर ले वाई क्यूब प्लस वन प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई प्लस एट वाई प्लस एट माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो. तो वाई क्यूब वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं तो वाई क्यूब तो हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है वाई क्यूब थ्री वाई स्क्वेयर माइनस टू वाई स्क्वेयर दैट इज वाई स्क्वेयर थ्री वाई माइनस फोर वाई दैट इज माइनस वाई एंड प्लस एट वाई दैट इज सेवन वाई. नेक्स्ट कॉन्स्टेंट टर्म वन माइनस टू माइनस वन रह गया एंड दिस इज प्लस सेवन एंड दैट इज माइनस सेवनटीन इज इक्वल टू जीरो. तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन हुज रूट्स आर ऑफ दिस टाइप. ओके तो लेट अल्फा बीटा गामा बी रूट्स ऑफ सपोज दिस इक्वेशन इज वन. ओके तो यहाँ से आप क्या करें सम ऑफ रूट निकाल लें. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस पी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा दैट इज क्यू एंड अल्फा बीटा गामा दैट इज माइनस आर. ओके तो वाई को क्या पुट करना हमने अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा.
ओके तो यहां से देखिए बीटा गामा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए हम अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अल्फा से डिवाइड, ठीक है। तो इसको लिखेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा अल्फा बाय अल्फा। अब ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया, दैट इज माइनस आर, तो यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस आर बाय अल्फा। तो वाई आपका सिंगल रूट की टर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब आप इसको क्या करें, वाई को लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस आर बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस आर, एंड दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। कॉल दिस इक्वेशन टू, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। अब आपने क्या करना, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो वन माइनस टू, तो देखिए क्या आएगा, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, पी एक्स स्क्वेयर क्यू एक्स माइनस करेंगे तो प्लस एक्स वाई हो जाएगा, क्यू एक्स प्लस एक्स वाई एंड आर माइनस आर इज जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखिए क्या आएगा आपके पास, एक्स कॉमन ले सकते हैं यहां पर आप, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, एक्स बाहर निकाल लें तो रहेगा आपके पास पी एक्स प्लस क्यू प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से एक्स तो जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ से आपके पास पी एक्स प्लस क्यू प्लस वाई को जीरो पुट करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस वाई डिवाइडेड बाय पी। ओके तो अब ये x की वैल्यू आपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। तो x की जगह क्या पुट करेंगे हम, माइनस क्यू प्लस वाई बाई पी, तो क्यू प्लस वाई होल क्यूब बाय माइनस पी, माइनस पी तो माइनस पी क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, प्लस पी एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वेयर, एंड माइनस पी का स्क्वेयर करेंगे तो दैट इज पी स्क्वेयर, प्लस क्यू क्यू प्लस वाई बाय माइनस पी प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो रिवर्स साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे इसको। पहले आप क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आप फिर आप क्या करें, थ्रू आउट माइनस पी क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें, तो थ्रू आउट माइनस पी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, क्यू प्लस वाई क्यूब माइनस पी क्यूब, देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस पी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रह जाएगा, माइनस पी स्क्वेयर क्यू प्लस वाई होल स्क्वायर, माइनस पी क्यूब से मल्टीप्लाई करें, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पी से पी स्क्वायर रह जाएगा, तो दैट इज क्यू पी स्क्वायर क्यू प्लस वाई एंड दिस इज आर पी क्यूब इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ओपन कर लें, क्यूब को ओपन कर लें, वाई क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस थ्री क्यू वाई क्यू प्लस वाई माइनस पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू क्यू वाई प्लस पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर क्यू वाई माइनस आर पी क्यूब इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहां से, तो वाई क्यूब वाली टर्म्स देखिए, वाई क्यूब वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है। तो y क्यूब तो सिंगल टर्म है, y क्यूब प्लस, अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, थ्री क्यू वाई स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर का कोफिशियंट क्या हो गया, थ्री क्यू वाई स्क्वेयर, और देखिए माइनस पी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, तो माइनस पी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। नेक्स्ट y टर्म्स देखिए कैसे आएंगी, थ्री क्यू स्क्वेयर वाई, ओके, और यहाँ से देखिए माइनस टू पी स्क्वेयर क्यू वाई, ठीक है। तो दिस इज थ्री क्यू स्क्वेयर वाई माइनस टू पी स्क्वेयर क्यू, एंड देखिए यहां से दिस इज अगेन पी स्क्वेयर क्यू वाई, ओके, तो वाई को बाहर निकाल लें, ओके। नाउ कॉन्स्टेंट हम देखिए कैसे आएंगे, क्यू क्यूब माइनस आर पी क्यूब इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस इज वाई क्यूब प्लस थ्री क्यू माइनस पी स्क्वेयर
वाई स्क्वेयर प्लस थ्री क्यू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर क्यू वाई प्लस क्यू क्यूब माइनस आर पी क्यूब इज इक्वल टू जीरो। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स डिजायर्ड फॉर्म में है। ओके देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन है आपके पास है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं इस इक्वेशन के। आपने एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके रूट इस तरह के प्रोडक्ट्स हों। ओके तो यहाँ से पहले तो हम लिख लेते हैं जो सम ऑफ रूट्स आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बिकॉज सेकेंड टर्म नहीं है तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया जीरो। दो दो का प्रोडक्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा दैट इज थ्री एंड अल्फा बीटा गामा दैट इज माइनस टू। ओके हमें रूट्स इस टाइप के चाहिए तो y पुट कर लें, y इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस गामा। ठीक है तो यहाँ से ओपन कर दे ब्रैकेट को, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा गामा। ठीक है तो देखिए यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस, अगर मैं यहाँ से अल्फा कॉमन निकाल लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा बीटा प्लस गामा प्लस बीटा गामा, अल्फा से मल्टीप्लाई करते और अल्फा से डिवाइड कर दें। ठीक है तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है जीरो, तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस अल्फा। ओके यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है अल्फा बीटा गामा क्या है माइनस टू, तो दैट इज माइनस टू बाय अल्फा। तो हमारे पास ये आ गया टू अल्फा स्क्वायर माइनस टू बाय अल्फा, सिंगल रूट के टर्म में आ गया। तो अब आप क्या करें वाई को पुट कर सकते हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस टू बाय एक्स। ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से तो क्या आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस टू एंड दिस इम्प्लाइज टू एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। कॉल दिस इक्वेशन टू एंड ओरिजिनल इक्वेशन को आपने क्या कहा वन। ठीक है तो क्या करें आप वन इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर लें, टू एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट इक्वेशन को आपने टू से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास टू एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, कैंसिल आउट कर लें तो ये बचेगा देखिए हमारे पास x को कॉमन ले लें y प्लस सिक्स, एक्स कॉमन लेंगे तो y प्लस सिक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है तो यहाँ से x क्या आ गया हमारे पास माइनस सिक्स ओवर y प्लस सिक्स। ठीक है तो देखिए अब कैसे आगे इसको प्रोसीड करना है, तो ये जो वैल्यू है इसको आप पुट कर दें ओरिजिनल इक्वेशन में एक्स क्यूब, एक्स की जगह क्या रखेंगे माइनस सिक्स ओवर वाई प्लस सिक्स क्यूब प्लस थ्री माइनस सिक्स ओवर वाई प्लस सिक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो इसको सिंप्लीफाई करें माइनस सिक्स क्यूब कितना आएगा माइनस टू वन सिक्स ओवर वाई प्लस सिक्स होल क्यूब। ठीक है माइनस एटीन ओवर वाई प्लस सिक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। एलसीएम ले लें तो यहाँ देखिए क्या आएगा टू इंटू वाई प्लस सिक्स होल क्यूब। ओके माइनस एटीन इंटू वाई प्लस सिक्स स्क्वेयर, यहाँ स्क्वेयर हो जाएगा एंड माइनस टू वन सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है तो टू से थ्रू आउट कैंसिल कर दें तो क्या रहेगा हमारे पास वाई प्लस सिक्स होल क्यूब माइनस नाइन वाई प्लस सिक्स होल स्क्वेयर माइनस टू वन सिक्स इज इक्वल टू जीरो। फर्दर ओपन कर लें ब्रैकेट को वाई क्यूब सिक्स क्यूब इज टू वन सिक्स प्लस एटीन वाई इंटू वाई प्लस सिक्स माइनस नाइन वाई स्क्वेयर प्लस थर्टी सिक्स प्लस ट्वेल्व वाई माइनस टू वन सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है सिंप्लीफाई करें इसको तो यहाँ से हमारे पास ये आएगा वाई क्यूब, ठीक है एटीन वाई स्क्वेयर माइनस नाइन वाई स्क्वेयर दैट इज नाइन वाई स्क्वेयर। ठीक है एटीन इंटू सिक्स वन जीरो एट वाई। ओके तो लिख लें इसको माइनस वन जीरो एट प्लस वन जीरो एट वाई माइनस वन जीरो एट वाई माइनस टू वन सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया तो ये बचा हमारे पास वाई क्यूब प्लस नाइन वाई स्क्वेयर माइनस टू वन सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स k
किस फॉर्म के हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा, इस तरह के रूट्स हैं इसके। ओके, तो अब हमने इसी इक्वेशन को यूज करते हुए ये शो करना है कि जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके रूट्स टू इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे यहां से। तो देखिए इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, y क्यूब प्लस 9y स्क्वायर माइनस 216 इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन के रूट क्या हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस अल्फा। ओके, तो ये रूट्स हैं। तो यहां से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, सो दिस इज अल्फा डैश, इसको आप बीटा डैश मान लें और इसको मान लें गामा डैश। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश, दैट इज इक्वल टू 216। ओके, तो दिस इंप्लाइज, देखिए इनको प्रोडक्ट करेंगे हम यहां से, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा, प्रोडक्ट बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस अल्फा, प्रोडक्ट गामा माइनस बीटा, गामा माइनस अल्फा, इन सभी का प्रोडक्ट क्या आ गया हमारे पास, 216। ठीक है, तो देखिए अल्फा माइनस बीटा है और ये बीटा माइनस अल्फा, तो एक माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ये अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा और ये भी अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो गया आपके पास अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये अल्फा माइनस गामा है, ये गामा माइनस अल्फा है, तो यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए बीटा माइनस गामा, गामा माइनस बीटा, एक माइनस और बाहर निकालेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल टू 216 एंड दिस इंप्लाइज अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, ये जो स्क्वायर है दैट इज माइनस 216। ओके, तो अब देखें यहां से कैसे प्रोसीड करेंगे। ये स्क्वायर है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये स्क्वायर है ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये स्क्वायर है ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट प्रोडक्ट क्या आ गया, माइनस 216। ठीक है, तो इट मींस अगर ये रियल नंबर होते तो रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ओके, तो इट मींस ये आपके आइदर अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस गामा और बीटा माइनस गामा, दे आर प्योरली इमेजिनरी नंबर, क्योंकि अगर प्योरली इमेजिनरी होगा तो आयोटा आएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो सकता है। ठीक है, तो इट मींस आइदर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा और बीटा माइनस गामा, दे आर प्योरली इमेजिनरी नंबर। दिस इंप्लाइज अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस गामा और बीटा माइनस गामा आर प्योरली इमेजिनरी बिकॉज स्क्वेयर ऑफ ए रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है ना, तो अगर स्क्वेयर है, रियल नंबर है, तो उसका स्क्वेयर नेगेटिव नहीं हो सकता। इट मीन्स इनमें से कोई ना कोई आपके पास, ये जो डिफरेंस है इनमें से कोई ना कोई क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज आइदर अल्फा, देखिए दो नंबर है, दो नंबर का डिफरेंस इम्प्योरली इमेजिनरी आ रहा है, इट मीन्स या तो इनमें से अल्फा और बीटा में से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, या अल्फा और गामा में से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, या बीटा और गामा में से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इट मीन्स आइदर एटलीस्ट वन ऑफ अल्फा बीटा गामा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इनमें से कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो जरूर है। ठीक है, बट आपको पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अकेला नहीं होता, पेयर में होते हैं, एंड दिस इंप्लाइज द गिवन इक्वेशन हैज टू इमेजिनरी रूट, बिकॉज अल्फा बीटा गामा किसके रूट है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है, और आपने यहां से कहा कि इनमें से कोई ना कोई एक
कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट सिंगल नहीं होगा, पेयर में होंगे, तो इसलिए कितने होंगे, टू इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। थ्री भी नहीं हो सकते बिकॉज फिर वही बात आ जाएगी कि पेयर में नहीं है, ओके ठीक है। तो हैज टू इमेजिनरी बिकॉज कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर्स, ठीक है। तो ओके, दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यही हमने प्रूव करना था कि जो इक्वेशन गिवन है उसके आपके पास दो रूट इमेजिनरी होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टच किया है। सेकेंड लेक्चर में भी इसके हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। तो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू।